दिल्ली में जनमत विरोधी मोर्चा खोल राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का संघर्ष। दिल्ली प्रदेश की वर्तमान सरकार की जनमत विरोधी नीति का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में सुनील कुमार, अशोक शर्मा, गायत्री गर्ग, अनिल शर्मा, राजेश मलिक समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक नीति को अपनाना है। इसलिए हम लोग सरकार की जनमत विरोधी नीति का विरोध करते हैं। साथ ही बताया कि शराब पिंक सेवा में जब राज्य सरकार महिलाओं को सस्ती शराब देगी, महिलाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग देगी, तो गलियों में महिलाएं कहां सुरक्षित रहेंगी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं राज्य सरकार उक्त योजनाओं से मिलने वाले लाभ को शराब की तरफ मोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं मध्य बिहार में राज्य सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनमत विरोधी नीति पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें केजरीवाल सरकार सुधार लाओ जैसे तीखे शब्द जनता ने उठाए हैं। दिल्ली स्टेट ब्यूरो विमल कुमार सिंह की रिपोर्ट। 1000 स्थानों पर पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चला रही है। दिल्ली की जो विनाशकारी आबकारी शराब नीति है, उसके खिलाफ हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1000 जगह पे ये जनमत संग्रह कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार को, जिसके खिलाफ हम पिछले 2 महीने से विधानसभा में सड़क पे, चाहे चक्का जाम है, चाहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, अनेक प्रकार से हम लोगों ने जो है ना इस विनाशकारी आबकारी नीति के खिलाफ आंदोलन किया है। ये उसी का एक हिस्सा है, जिसमें जनता की भी भागीदारी जो है ना सुनिश्चित की गई है। जनता से एक राय ली जा रही है कि भाई ये जो सरकार ने नई आबकारी नीति, जिसमें 4 गुना ठेके, लगभग पहले 800 के करीब ठेके थे, जिन्हें अब 4000 के करीब खोला जा रहा है, और उसमें सबसे दुख की बात यह है कि हमारी भारतीय सनातन पद्धति संस्कृति उसके ऊपर चोट की जा रही है, और महिलाओं के लिए भी एक विशेष पिंक ठेके जो है ना खोले जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है, उसके अंदर उनको प्रोत्साहित, महिलाओं को दारू पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 30% दारू सस्ती दी जाएगी, जिससे घर में लोगों के घरों में और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों से ये बात कहेंगे कि आप जाके दारू लेके आइए, आपको सस्ती मिलेगी, और यदि महिला जाती है तो दिक्कत है, क्योंकि शराब के ठेकों के पास आपने देखा होगा कि किस प्रकार से क्रिमिनल लोग बाग हैं, उनका जमावड़ा होता है, गंदगी होती है, तो वहाँ वारदातें भी बढ़ेंगी, और दूसरे अगर वो नहीं जाएगा, वो महिला अगर दारू लेने पिंक ठेके पे नहीं जाएगी, तो उसका पति उसके साथ मारपीट करेगा, उसको परेशान करेगा। तो ऐसी घटिया सोच से जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर, केजरीवाल दिल्ली के अंदर ये कह करके आया था कि हम हर क्षेत्र के अंदर जगह जगह मोहल्ला सभाएं बनाएंगे, लोगों की राय से उनसे बात करके पूछ करके और जनमत के जो भी अच्छे जनता के हित के काम है वो करेंगे, तो बजाय जो है मोहल्ला सभा बनाने के, इन्होंने मोहल्ला ठेका बनाना शुरू कर दिया, यानी कि लगभग 4 गुना ठेके हो जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राइम ग्राफ बढ़ जाएगा, और उसका जो हमारी युवा पीढ़ी है आने वाले समय के अंदर, उस पर बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ने वाला है। आपने देखा होगा